तो जैसा कि आप साइड में देख पा रहे होंगे कि हमारा इंस्टाग्राम का आईडी आपको शो हो रहा होगा। अगर आप सोच रहे हो दोस्तों कि मैं यूट्यूब के थ्रू अपना इंस्टाग्राम को प्रमोट कर रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हमारे यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा व्यूज़ तो इंस्टाग्राम में आता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपका इंस्टाग्राम का रील वायरल नहीं हो रहा है दोस्तों, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत वीडियो बना रहे हैं, आपका रील वायरल नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप क्या गलती कर रहे हो उसमें और आपको उसमें क्या क्या सुधारना है। अगर आप इस तरह का चीज़ करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, तो दोस्तों आपका जरूर सुधरेगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड हमारा शो हो रहा होगा। क्या आपके अकाउंट पर यह शो होता है? चलिए आज मैं आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक से दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम के वीडियो को वायरल कर सकते हैं। फिलहाल मैं बोल करके नहीं दोस्तों, मैं सबसे पहले तो प्रूफ दिखाऊंगा, तब मैं आप सभी को उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं देखिए बहुत सारे वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद जरूरी नहीं है कि हमारा सब वीडियो वायरल हो जाता, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ वीडियो पर जब मैं वो चीज़ ट्राई करता हूँ तो वो जरूर वायरल होता है। सबसे पहले देखिए इस वीडियो पर हमारा 10,000 व्यूज गया, जो कि मैंने अपने जो है वो भांजे का वीडियो डाला था। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला 21,000 व्यूज। तो आखिर ये जो व्यूज गया वो कैसे गया दोस्तों? इसको वायरल करने के लिए मैंने कुछ तो ट्रिक लगाया हुआ है, जरूर दोस्तों ट्रिक लगाया है। सबसे पहली बात ये है कि आपको सबसे पहले ट्रेंडिंग हैशटैग डालना है। अगर आप ट्रेंडिंग हैशटैग डालते हैं तब जाकर के आपका वीडियो वायरल होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। दूसरी बात आपको दोस्तों करना क्या रहता है, आपको दोस्तों ट्रेंडिंग जो म्यूजिक होता है उस म्यूजिक को डालना होता है। तीसरी बात दोस्तों आपको ट्रेंडिंग टेम्पलेट्स डालना होता है। ये तीन चीज़ आपको करना होता है तब जाकर के दोस्तों आपका वीडियो पर ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपका वीडियो वायरल होगा। तो ट्रेंडिंग हैशटैग आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों? ट्रेंडिंग हैशटैग आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप कॉपी करके जो है वो अपने इस पे लगा लेंगे, अपने इंस्टाग्राम पे जब भी नेक्स्ट वीडियो वायरल करना होगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करना होगा तो वहाँ पे लगाएंगे। और दोस्तों आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर वीडियो को कैसे अपलोड करना है और वीडियो के लिए दोस्तों ट्रेंडिंग हैशटैग कहाँ पर डालना है, किस तरीके से डालना है, और दोस्तों कैसा आपको टेम्पलेट्स यूज़ करना है, और टेम्पलेट्स यूज़ करने के बाद दोस्तों कैसे आपको उसको अपलोड करना है, सब कुछ आज मैं आप सभी को इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो चैनल पे नए दोस्तों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल के थ्रू दोस्तों मैं आप सभी के साथ रियल और जेन्युइन वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए ले चलते आप सभी को अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर और पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को वहाँ से स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो वायरल करने का जो मेन तरीका होता है उस तरीके को आपको समझना है। मेन दोस्तों क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम के टेम्पलेट्स को यूज़ करके अगर वहाँ से आप वीडियो बनाते हैं, वहाँ का ऑडियो आप यूज़ करते हैं, तो दोस्तों आपको जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस आता है कि वीडियो वायरल होगा। और दोस्तों एक बात और कि आपको ये देखना पड़ता है कि कौन से टाइम पे कौन सा वीडियो ट्रेंडिंग पे जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, होम पे जाऊँगा और तो रील पे जाऊँगा, ठीक है। कुछ रील मैं प्ले करूँगा, अभी देखिए कुछ रील मैं प्ले करूँगा, अभी यहाँ से पता चलेगा कि कौन सा वायरल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों ये वाला रील कुछ अभी ज़्यादा वायरल जा रहा है, ठीक ना। तो अभी इस रील के बारे में मैं बना सकता हूँ, या फिर अभी मैं एक और दिखा रहा हूँ, एक और रील बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी जो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया भी है, मैं अभी स्क्रॉल करता हूँ बस, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा जा रहा है। एक ब्लर इफेक्ट वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, देखिए दोस्तों ये वीडियो भी वायरल जा रहा है ना। तो अभी मैं ब्लर वाला दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए दोस्तों, आप मैं स्क्रॉल करते करते आ गया ना, तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों बेसिकली आपको करना क्या है, यूज़ टेम्पलेट्स, ठीक ना। देखिए इसका फॉलोवर भी इतना नहीं होगा, लेकिन दोस्तों देखिए फॉलोवर 3,000 है, लेकिन जो है वो यहाँ पे वायरल हो जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए यूज़ टेम्पलेट्स पे जाएंगे, यूज़ टेम्पलेट्स पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ से आपको फोटो चूज़ करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो चूज़ कर लिया, और फोटो चूज़ करने के बाद दोस्तों उसमें ऑलरेडी क्या हो गया कि साउंड वो वाला जो है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया, ये वाला इफेक्ट ऑलरेडी अप्लाई हो गया, ठीक ना। मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी नेक्स्ट पे जाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ बोल रहा है कि एक और चूज़ करने के लिए, तो चलिए एक और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ दो फोटो, एक और फोटो मैंने यहाँ पे चलिए चूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और फोटो चूज़ कर लिया, चलिए फोटो चूज़ करने के बाद अभी नेक्स्ट पे जाएंगे दोस्तों। जैसे मैं ऐसे नेक्स्ट पे जाता हूँ, तो नेक्स्ट पे जाने के बाद क्या है कि यहाँ से आपको सबसे पहले एडिट कवर, एडिट कवर पे जाने के बाद यहाँ से एडिट कवर ऐसे कर देना है, डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपने जगह का नाम लिखेंगे, आई एम फ्रॉम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गिरिडीह, ठीक है, आई एम फ्रॉम गिरिडीह यहाँ लिख दिया, एंड यू लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेन जो चीज़ है, ये जो वायरल करने का मेन जो प्रोसेस होता है वो उसको ध्यान से समझिए। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होता है, इसके लिए आप देखिए ऐसे कट करेंगे, कट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा गूगल पे डायरेक्ट जा करके इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग हैशटैग, देखिए ये आपको जरूर लगाना पड़ता है। अगर आप इस चीज़ को लगाते हैं तभी आपका वीडियो वायरल जाता है। देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग पे जैसे जाएंगे, तो ट्रेंडिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ क्या है कि देखिए आपको इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग का बहुत सारा हैशटैग वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको बेसिकली करना क्या है, ऐसे कॉपी कर लेंगे, ठीक ना।
तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया। ओके यहाँ पर क्लिक करिए, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद दोस्तों फिर से मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए सारा हैशटैग मैंने यहाँ पे ऐसे करके बैठा दिया। बैठाने के बाद दोस्तों मैं अभी सिंपल सा इसको शेयर कर दूंगा। जैसे शेयर कर दूंगा दोस्तों कुछ देर बाद हमारे वीडियो पे व्यूज आने लगेगा, ठीक है। जो हमारे फॉलोवर्स रहेंगे उसके अलावा भी ये वीडियो चलेगा, वो इसलिए क्योंकि ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ध्यान में रखिए, अगर आप काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं और इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग का ध्यान रखकर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका वीडियो जल्दी चांसेस होता है कि ज़्यादा वायरल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर से मैंने आप सभी को हर एक चीज़ क्लियरली स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कर दीजिए हमेशा की तरह वीडियो को लाइक एंड साथ करते जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप सभी के लिए डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वीडियो में यही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।